ऑल दिस इज अमेजिंग साइंस क्लास 4 चैप्टर 12 फोर्स वर्क एंड एनर्जी। इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस अबाउट द फोर्स टाइप ऑफ फोर्स वर्क मशीन्स लीवर पुली। टुडे वी विल स्टार्ट व्हील एंड एक्सल। कैन यू थिंक ऑफ थिंग्स दैट हैव व्हील्स? क्या आप उन चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जिसमें पहिए होते हैं? ऑलमोस्ट ऑल व्हीकल्स हैव व्हील्स। ज़्यादातर जो भी व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती हैं, वाहन होते हैं, उसमें व्हील्स होती हैं, यानी कि पहिए होते हैं। द व्हील्स में हैव अ रॉड कनेक्टेड टू देम। व्हील्स में एक रॉड कनेक्ट होती है। दिस रॉड इज कॉल्ड द एक्सल। इस रॉड को एक्सल कहा जाता है। द एक्सल मूव द व्हील। एक्सल जो है वो व्हील को मूव कराता है। मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट बिकम ईजियर विद द हेल्प ऑफ व्हील एंड एक्सल। मूविंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो ज़्यादा भारी जो मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं उन्हें आसानी से व्हील्स और एक्सल की मदद से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। अब मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ, इसमें जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, व्हील है, और जो यहाँ पर ये रॉड लगी हुई है इसे हम कहते हैं एक्सल। इसी एक्सल के वजह से ये व्हील जो है मूव करता है, अपनी जगह पर रोटेट करता है और भारी से भारी वाहन या भारी से भारी सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले आने में सक्षम है। इसी को कहते हैं, यहाँ पे जो है इसे एक्सल कहते हैं। इसी एक्सल पर एक ही जगह पर ये पहिया आसानी से घूमता रहता है। ओके स्टूडेंट, नाउ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन यानी कि ढलावदार प्लेन। एन इंक्लाइंड प्लेन इज़ ए स्लोपिंग सरफेस। जो इंक्लाइंड प्लेन होता है वो स्लोपिंग सरफेस होता है, यानी कि झुका हुआ सरफेस होता है। दैट इज़ यूज टू पुश और पुल हैवी ऑब्जेक्ट टू अ सर्टेन हाइट। इसकी मदद से हम भारी से भारी सामान को धकेल सकते हैं या अपनी तरफ खींच सकते हैं एक निश्चित दूरी पर, यानी कि इतनी ज़्यादा ऊंचाई ना हो, थोड़ी सी ऊंचाई हो तो उस ऊंचाई पर हम आसानी से भारी से भारी सामान को खींच सकते हैं या लुढ़काकर नीचे उतार सकते हैं। अ सिंपल स्मूथ बोर्ड प्लेस एट अ एंगल कैन बी यूज्ड एज एन इंक्लाइंड प्लेन। एक सिंपल यानी कि सिंपल और साधारण चिकना बोर्ड इस प्लेस उसे लगा दिया जाता है ऐसी जगह पर एंगल के तौर पर, और उसमें उसे इंक्लाइंड प्लेन की तरह से यूज़ किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन हैवी कार्टून्स बीइंग लोडेड इनटू अ ट्रक बाय पुशिंग देम अप एन इंक्लाइंड बोर्ड। आपने देखा होगा बड़े से बड़ा जो कार्टून होता है जिसमें बहुत सारा सामान भरा होता है, लोड किया जाता है किसी ट्रक पर उसे पुश करके इंक्लाइंड बोर्ड की मदद से, सहायता से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये है, ये लगा हुआ है, आपको बता दूं ये जो है ये क्या है, एक इंक्लाइंड बोर्ड की तरह वर्क कर रहा है। ये स्मूथ है और आसानी से एक व्यक्ति भारी से भारी ड्रम को आसानी से ट्रक पर लोड करा सकता है। तो ये इंक्लाइंड क्या हो गया, इंक्लाइंड प्लेन हो गया। ठीक है, ये साधारण है और चिकना है, देखिए सिंपल एंड स्मूथ, ताकि आसानी से, और इसी की वजह से हम आपने बड़ी बड़ी गाड़ियों में बफेलो को ऊपर एक जगह से दूसरी जगह ले आने के लिए ट्रक पर चढ़ाते हुए आपने देखा होगा, है ना। सो टुडेज़ क्लास फिनिश हियर, टुमारो वी विल स्टार्ट स्क्रू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।